हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल वाई डी एस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दिनों एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आज 1 जून को जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो किन टॉपिक्स को लगातार है वो रिपीट करके पूछ रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी मटेरियल वाई डी एस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों का भविष्य में एग्जाम होना है उन लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित हो सके। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि किन टॉपिक्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सन 2012 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखना कि सन 2012 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो चंद्रकांता को दिया गया है, चंद्रकांता, और इनकी कृति थी पत्थर फेंक रहा हूँ। इस कृति पर चंद्रकांता जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1955 से हुई थी और सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनकी कृति हिमतरंगिनी के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत के गायक कौन हैं। तो दोस्तों याद रखना कर्नाटक संगीत के जो हैं पुरंदर दास जी हैं, कर्नाटक संगीत के गायक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आई एम नो मसीहा इसकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये याद रखना दोस्तों आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है और ये 2020 दिसंबर में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों पहले 1955 की बात करें तो 1955 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार में मात्र 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो राशि है वो 1,00,000 रुपये हो चुकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। दोस्तों याद रखना कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा यदि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और भारत का प्रधानमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश हो वो सभी अपना इस्तीफा जो है त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की किस नदी का अपव्यय बेसिन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों याद रखना कि गंगा नदी का जो अपव्यय बेसिन है भारत में सबसे बड़ा बेसिन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों याद रखना कि जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में अभी बात करें तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी का उद्गम होता है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था द कवर्ड एंड द स्वॉर्ड जो बुक है इस बुक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखना जो बुक है द कवर्ड एंड द स्वॉर्ड इस बुक के लेखक हैं वो हैं जुगल हंसराज। जुगल हंसराज जी हैं जो इस बुक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। ये दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं उनका समापन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो पदक हैं वो अमेरिका ने जीते थे और अमेरिका ने 113 पदक जीते थे। इसके बाद जो है पदक सबसे ज़्यादा पदक दूसरे नंबर पर चीन ने जीते थे और इसने 88 पदक जीते थे। इसके बाद जो है जापान ने पदक जीते थे और जापान ने 58 पदक जीते थे। और भारत की यहाँ पर बात करें तो अपना स्थान भारत का 48वें नंबर पर था और अपन भारत देश ने 7 पदक जीते थे जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है अनोखी लाल मिश्रा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अनोखी लाल मिश्रा जी हैं जो एक मशहूर तबला वादक हैं और इनका संबंध जो है वो लखनऊ घराने से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है वो मैक्सवेल ने दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 जून को उनकी फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहिएगा। विदा लेने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों का भविष्य में एग्जाम होना बाकी है उन लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सके, और वो लोग भी इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ के जा अच्छे से पढ़ के जा सकें जिन टॉपिक्स से संबंधित जो है क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।